आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खराब मॉनसून और महंगाई के मुद्दे पर इस वक्त कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में सीसीईए कई अहम फैसले ले सकती है। महंगाई और खराब मॉनसून ये प्रायोरिटी है सरकार की और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की। इस बैठक पर और अपडेट इस वक्त हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर। अब संदीप, क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं इस बैठक से? कैबिनेट में महंगाई पर पूरी चर्चा होगी और बाकायदा ये बताया जाएगा कि महंगाई का कितना असर हो रहा है और किस तरह से बाजार के दाम बढ़ रहे हैं। एक बड़ा कदम जो सरकार उठा सकती है वो ये कि जो आलू और प्याज के जो स्टॉक लिमिट है उसको सीमित कर देगी, यानी जिस तरह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आप ये अनाज के रखने की सीमा है, यानी 200 किलो तक आप दाल या चावल या इसका स्टॉक कर सकते, ऐसा ही स्टॉक आप प्याज का कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, तो अनाज की स्टॉक लिमिट तय कर दी जाएगी जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगेगी। इसके अलावा चीनी पर भी सब्सिडी, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है, उसे कम किया जाता है ताकि चीनी के जो दाम बढ़े हैं उसे फिलहाल उसे कम किया जाए। तो दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे। सीसीए की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसमें दो चीजें जो है अतिरिक्त बाजार, अतिरिक्त जो अनाज है वो भी बाजार में उतारा जाएगा जिससे चीजों का दाम नियंत्रित हो। बिल्कुल, यहाँ पर अभी प्रायोरिटी मोदी सरकार की यही है कि महंगाई पर किस तरह से लगाम लगाई जाए और साथ ही खराब मॉनसून जो महंगाई को और बढ़ाएगा आने वाले वक्त में, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जाएं, एहतियात बरती जाए, ये इस वक्त इस कैबिनेट मीटिंग की प्रायोरिटी। और जैसा संदीप अभी अपडेट दे रहे थे कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं, रोज़मर्रा के जीवन में काम आती हैं, उन सभी चीज़ों के दामों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, चर्चाएँ यहाँ पर हो सकती हैं। अब संदीप हमें लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। संदीप, इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि कुछ प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे इस बैठक में रामविलास पासवान की तरफ से? देखिए, सिर्फ चूंकि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग की महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं उस पर वो प्रेजेंटेशन तो नहीं, कैबिनेट नोट जरूर देते हैं, उसमें ये बताते हैं कि जैसे सूखे की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। ये प्रेजेंटेशन की शक्ल में नहीं होता, कैबिनेट नोट की शक्ल में होता है और मंत्री खासतौर पर जैसे मानसून की स्थिति पर मंत्री ब्रीफ करेंगे कि मानसून की स्थिति क्या है। हालांकि कहा जा रहा है कि 7 जुलाई से मानसून सुधरेगा और देश में कई जगहों पर मानसून आएगा, अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन फिलहाल दामों को लेकर सरकार एक एक कदम उठा रही है। संकेत दिन में ही प्याज की जो एक्सपोर्ट की जो दर है वो भी बढ़ा दी गई है। प्याज की पहले दर $450 पर टन की गई थी, उसे बढ़ाकर $500 पर टन की गई, यानी सरकार नहीं चाहती कि एक्सपोर्ट की जाए प्याज वो बाहर जाए बल्कि देश में उसको उपलब्ध हो। तो इस तरह के कदम जो है दरअसल संकेत ज्यादा देते हैं, हालांकि केंद्र के बजाय राज्यों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि इस तरह की किल्लत ना हो पाए, क्योंकि सरकार का बार बार कहना है कि कमी नहीं है। इस बीच संदीप, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय राहत दे सकता है आपको, यहाँ पर एलपीजी के दामों में कुछ राहत मिल सकती है, कुछ कटौती हो सकती है। हिमांशु इस खबर पर और जानकारी हमें दे रहे हैं। हिमांशु, देखिए, कल सरकार की तरफ से यह एश्योर किया गया था कि वो एलपीजी गैस और केरोसिन ऑयल के दाम नहीं बढ़ने देंगे जिससे आम आदमी पर इफेक्ट पड़े, और आज सरकार ने इस पर एक बड़ा कदम लिया है। कुछ प्रदेशों के अंदर जो कीमतें हैं उसको नहीं बढ़ने दिया, अगर बढ़ानी पड़ती तो सरकार को करीब करीब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर 10 रुपये बढ़ाने पड़ते केरोसिन गैस के, तो वो स्टेप को सरकार ने रोका है और कह सकते हैं कि आम आदमी पर जो महंगाई की मार पड़ सकती थी, पेट्रोलियम मंत्री मंत्रालय ने इस पर एक कह सकते हैं रोक लगाई। हिमांशु, हाल ही में पेट्रोल के और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो क्या ऐसे में इसमें भी किसी तरह की राहत की उम्मीद क्या आगे की जा सकती है? देखिए, कल पेट्रोल मंत्री का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इराक में जो क्राइसिस है उसकी वजह से जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और डीजल हर महीने उस पर डीजल पे जो सब्सिडीज है वो 50 पैसे कम होगी और हर महीने डीजल के वैसे ही 50 पैसे बढ़ने हैं जैसे यूपीए सरकार तय करके गई थी, लेकिन केरोसिन ऑयल और एलपीजी पे सरकार ने फैसला लिया कि इसके दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे क्योंकि इसकी सीधी जो है आम आदमी बढ़ती है और पेट्रोल के दाम इराक क्राइसिस की वजह से बढ़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके भी रेट बढ़ाए सरकार तो आम जनता के ऊपर जो है वो महंगाई की मार दुगनी पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से राहत दी जा सकती है एलपीजी और केरोसिन के दामों में, कुछ राहत आपको मिल सकती है, दामों में कुछ कमी आ सकती है, इस तरह की खबर फिलहाल मिल रही है। एक तरफ महंगाई और खराब मॉनसून को लेकर कैबिनेट की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय से जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़ी खबर हमने आपको बताई, यानी महंगाई सीधे सीधे तौर पर मोदी सरकार की इस वक्त प्रायोरिटी है कि किस तरह से इसे कंट्रोल में किया जाए, इसमें लगाम लगाई जा सके, और इसके लिए तमाम मंत्रियों से सजेशंस लिए जा रहे हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं और इसके लिए तमाम कोशिशें भी यहां पर की जा रही हैं। हिमांशु हमें लगातार इस खबर पर अपडेट कर रहे थे। अब हिमांशु, इसमें कोई कॉन्क्रीट कदम हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं, कोई फैसला आए दामों में कमी को लेकर?
देखिए बिल्कुल सरकार ने ये कदम उठाया है क्योंकि एलपीजी गैस के ऊपर जो सब्सिडीज थी उसको कम किया जा सकता था, जो कि सब्सिडाइज गैस सिलेंडर है 12 उसके ऊपर भी सब्सिडीज कम की जा सकती थी, उसके रेट बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने ये कदम अभी नहीं उठाया है। सरकार ने कहा था हम 3 महीने तक नहीं उठाएंगे, कल एश्योर किया गया। सरकार के ऊपर बड़ा दबाव था कि वो गैस जो सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर है और केरोसिन ऑयल है उस पर दाम बढ़ाए, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं लिया। सरकार की तरफ से जो टैक्सेस उसको कम किया गया है, तो एक तरीके से जनता को ये राहत देने की बात है कि जो कीमतें बढ़ाई जानी थी उस पर सरकार ने रोक लगाई है। सरकार जानती है क्योंकि इराक क्राइसिस की वजह से पहले ही जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से जो है खाने पीने की जो आम जरूरतें हैं आम व्यक्तियों की वो पहले ही थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से। तो उसके बाद अगर एलपीजी और केरोसिन ऑयल के जो प्राइस है अगर वो बढ़ते हैं तो आम जनता के ऊपर दोबारा दोहरी मार पड़ेगी महंगाई की। और सरकार चाहती है कि महंगाई पर रोक लगे क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की चीजों की के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर सरकार पहले ही चिंतित है, इसलिए सरकार ने एक बड़ा कदम पेट्रोलियम मंत्रालय ने लिया है। आम आदमी मोदी सरकार ने महंगाई से निपटने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें महंगाई के खिलाफ कड़े कदम उठाने के संकेत मिले हैं। घरेलू बाजार में प्याज की कमी न होने पाए और इसकी कीमत काबू में रहे इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सस्ती दरों पर प्याज विदेशों में भेजने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए बकायदा सरकार ने प्याज का नया न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $500 प्रति टन रखा गया है, यानी विदेशों में प्याज ₹30 प्रति किलो के भाव से ही बेचा जा सकेगा। सरकार ने इस फैसले से साफ कर दिया है कि इससे कम कीमत पर प्याज को बाहर के देशों में नहीं भेजा जा सकेगा। बीते एक महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाया है। दरअसल प्याज की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में मार्केट में प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि मंडी में इसका भाव 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलो है। देश में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की कीमत 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बरबनी हुई है। 30 मई को मंडी में प्याज के दाम ₹9.75 प्रति किलो थे, यानी इनमें तब से करीब 90% का इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर दिल्ली समेत देश की दूसरी मंडियों पर पड़ता है। हालात को देखते हुए खुद दिल्ली सरकार भी मदर डेयरी के आउटलेट से सस्ता प्याज और आलू बेच रही है, अब इसकी मात्रा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार सरकारी दफ्तरों में भी 300 आउटलेट्स खोल रही है। सफल यूज्ड टू हैव सम 30 आउटलेट्स और व्हाटएवर, दे आर गोइंग टू डबल इट, 300 आउटलेट्स। दे आर गोइंग टू डबल द क्वांटिटी फ्रॉम 30 टन्स टू 60 टन्स पर आउटलेट। वी आर ओपनिंग अबाउट 300 आउटलेट्स इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस that are located in the field. So, you know, you have a sub-registrar, you have a tehsildar, you have a deputy commissioner, whatever.